वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नोमैड मॉन्क्स। दैट इज मुकेश, दैट इज चिराग। तो फिलहाल के लिए टुडे इज गोना बी अ टिपिकल टेक्निकल वीडियो। वी आर गोना डू सम सर्विसिंग टू आर बाइक। उसमें से फर्स्ट वन वुड बी अ चेन स्प्रॉकेट एंड चेन सेट। इज गोना बी अ परफॉर्मेंस चेन सेट दैट वी आर रिप्लेसिंग ऑन अ बाइक्स। Then we're gonna change our air filter, oil filter, and you know, put in some new oil. So, valve clearance adjustment. Yes. Comes under service part. Exactly. So which usually service centers guys do not do. They avoid try doing it because it takes a lot of time. It's time taking and finesse related work. Yeah. So we're all gonna do that at our place. So stay tuned. Okay. So before we begin with our process, a small request that if you guys like our videos, do give a thumbs up. It's a small click for you, but it's gonna make a big difference for us. So जबा के लाइक द बटन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए और सीखिए आप भी, और सो दैट यू डोंट हैव टू रिलाय ऑन सर्विस सेंटर्स। तो दिस वीडियो माइट बिकम लॉन्ग, तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुकेश सर, व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद? विल स्टार्ट विद ब्रेक ऑयल चेंज, डिस्क ब्रेक ऑयल चेंज। या और तब तक इंजन ठंडा हो जाएगा। एंड इंजन अगर ठंडा नहीं हुआ, विल स्टार्ट विद चेन किट रिप्लेसमेंट। एग्जैक्टली। तो आपको हम सब दिखाएंगे बारी बारी, सो स्टे ट्यून्ड। तो वी आर बेसिकली ओपनिंग द फ्रंट रिजर्वायर, ब्रेक रिजर्वायर, to check the oil levels, brake oil levels and condition. And the condition levels look good, but I think condition dekhna hoga if it is too dark and has become old, so to change. Okay, a rag, because dot 4 or any brake disc brake oil is very corrosive in nature, so aapka gaadi ke kisi paint area pe gira to paint उखाड़ देगा पूरी तरह। सो बस ध्यान रखिएगा, आगे बातचीत करते हैं। आगे विल कवर इट। हाँ, इट लुक्स क्लीन, इट लुक्स क्लीन, बट लेवल कम हो गया आई थिंक। नहीं, ठीक है, फुल से दिख रहा है, बट ओके, वो जो मीटर है ना, आई थिंक इट शुड बी ओके। ओके, we don't need to top up, nothing to be done. Okay, so this thing looks good, so piche ka bhi aage ka bhi both look good, so yeah, so there's no need to top up, so we'll move on from this. So guys, if you want to change the brake fluid, so this is what we suggest, Castrol Oil brake fluid dot 4. Iska price is $137, so it's pretty decent. Aap ek bar khareed lo to बहुत साल तक दो तीन बार तक आ जाएगा। सो या यू कैन यूज दिस, वी रिकमेंड डूइंग यूजिंग दिस। काले, तो अभी हम लगाने वाले हैं रोल ऑन का ब्रास कोटेड चेन, और दिस इज गोना टेक सम टाइम, तो आपको दिखाते हैं आस्ते आस्ते क्या। तो दिस बेसिकली परफॉर्मेंस चेन है, तो ये मत सोचिए कि परफॉर्मेंस मतलब कि अभी लगाने से आपका गाड़ी और तेज़ भागना चालेगी, चालू हो जाएगी, हवा में उड़ेगी, बट दिस इज अ गुड चेन, गुड लाइफ, विच इज गॉट एक्स रिंग अदर देन ओ रिंग्स, सो दिस इज गोना रियली वर्कआउट वेल। एंड आई वी सजेस्ट दैट कि आफ्टर एवरी 30,000 किलोमीटर्स ऑफ योर बाइक गेट दिस चेन स्प्रॉकेट रिप्लेस्ड, इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बाइक। And there won't be much of a power loss. Yeah. So, दिखाते आपको इसके पीछे का कसरत। So basically this chain comes as a closed loop. So unlike 350 chains which has a master link, chain link, it does not have a chain link. So it comes as a closed loop for you. And it's a very beautiful looking chain.
It shines like gold. Yeah, gold bar. कितना तोले का सोना है इसके अंदर. सोने से भी बढ़ के है. Only bike lovers understand that. Yes. So, yeah. So this is the chain fully properly sealed. With the grease लगा हुआ है ना? इसमें chain paste लगा के रखा हुआ है. So it comes as this and it's a closed loop as you can see. It will be like एक हार की तरह रहता है. तो 350 का जो आता है इट्स एन ओपन लूप एंड देयर इज अ मास्टर लिंक चेन लिंक व्हिच वी गेट. इसमें देयर इज नो लिंक कॉन्सेप्ट. तो एक टूल आता है जिसके वजह से आप जिसके यूज करके आप लिंक को खोल के फिर वो करना. बट हम सजेस्ट करते हैं कि लेट इट बी एज फैक्ट्री फिटेड क्योंकि उससे क्या होता है ना देयर वोंट बी एनी रिस्क व्हिच माइट हैव यू नो हैपेंड व्हाइल breaking the link and again putting it back. So because of that closed loop chain installation hame swing arm bhi open karna hoga tabhi wo closed loop ko andar bitha sakte hain. Okay, to thoda hai kaam. That's what we do. Yeah, and if it is the call of the moment, so we'll do that. So now to do so we'll have to remove the footrest. Removing these two bolts and then we'll have to disassemble this gear ka link rod. Okay, and then we'll have to take it off. Okay, because under this sprocket we have a small master sprocket which is smaller in size. Okay, this one. Okay, okay. And the bigger one is second sprocket. Yeah, so this is master sprocket. So uske access ke liye hame ise open karna hoga, andar clean karenge and then we'll do it. Okay, chaliye aage milte hain. Ha, बहुत मुश्किल के बाद लॉक नट व्हिच होल्ड्स द गियर लीवर. यस, दिस गियर लीवर ऐसे जाता है. ओके, सो ये देखो ये क्या करता है. इसको अंदर बिठाता है एंड इसको ये स्लॉट में बिठा के रखता है बस. ओके, इट डजंट नीड टू बी टाइटन एट ऑल मच एट ऑल. ओके, इसके लास्ट पोजीशन तक ले जाके छोड़ दो. ओके, आई डोंट नो व्हाई द हेल डिड दिस गाइस डू दैट दैट टाइटन. तो ये है, टेक एवरीथिंग ऑफ फॉर यू हैव टू वॉश नाउ. नरम है कंपैरेटिवली, सेडेबली हॉट. अभी हम लोग डीजल से क्लीन कर रहे हैं चेन को. मोर और लेस जब नाउ दैट वी हैव ओपन ये जो केबल्स है उस पर मक बहुत रहता है. हाँ. मिट्टी एंड चेन ऑयल से लथपथ तो हमेशा क्लीन होता नहीं है. तो जब ऐसा मौका मिलता है तो बेटर वी क्लीन. ऑलवेज बेटर टू डू दैट. वही ब्रश था तो नहीं कौन सा ब्रश इसमें चेन का है. ओके, ये हमारे टूल्स. अच्छा,